Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, वो है LL1 पार्सर. सो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है. सो पहले हम वो देख लेते हैं. सो टू कंस्ट्रक्ट द LL1 पार्सिंग टेबल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. सो सबसे पहली स्टेप है चेक वेदर द गिवन ग्रामर कंटेंट्स लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्ट्री. अगर गिवन ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्ट्री अगर आता है तो सबसे पहले हमें उसे एलिमिनेट करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेफ्ट फैक्ट्री एलिमिनेट करने से पहले आपको एलिमिनेट करना है लेफ्ट रिकर्शन, और उसके बाद ही आप एलिमिनेट करोगे लेफ्ट फैक्ट्री. सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो. लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्ट्री आपका जब एलिमिनेट हो जाए उसके बाद आपको फाइंड करना है फर्स्ट एंड फॉलो. अब उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इफ टेबल कंटेंस मल्टीपल एंट्रीज इन अ सिंगल सेल. अगर लास्ट स्टेप में हम जो इसका LL1 पार्सिंग टेबल हम जो ड्रॉ करेंगे, अगर एक सेल में अगर मल्टीपल एंट्रीज है देन इट इज़ नॉट LL1, अदरवाइज गिवन ग्रामर इज LL1. अगर सिंगल एंट्रीज है हर सेल में सो वो ग्रामर रहेगा LL1. सो आपको ये तीन स्टेप फॉलो करनी है. इसके बाद हम लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्ट्री को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन. सो हम कंसिडर करेंगे गिवन ग्रामर ए ड्राइव्स टू ए अल्फा स्लैश बीटा वेयर बीटा डज नॉट बिगिनस विथ ए. इसका मतलब है कि बीटा की जो वैल्यू है वो ए से स्टार्ट नहीं होगी, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी वैल्यू सकती है. लेफ्ट रिकर्शन रिकॉग्नाइज करने का तरीका ऐसी है, हमेशा उसकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए सेम सिंबल से, जैसे कि यहाँ पे है ए, ये दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो आपको होना चाहिए सेम. अगर दोनों तरफ की वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब है उसमें गिवन प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है. सो इसे आपको एलिमिनेट करना है. सो इसे एलिमिनेट करने का तरीका ऐसी है, आपको करना है रिप्लेस उसके प्रोडक्शन. तो सबसे पहले आपको करना है ए ड्राइव्स टू बीटा ए डैश, यानी आपको इसके बाद की जो वैल्यू है बीटा वो वैल्यू आप यूज़ करोगे और साथ में ऐड करोगे ए डैश. उसके बाद फिर आपको ए डैश को भी सॉल्व करना है, और ए के बाद जो भी वैल्यू रहेगी अल्फा की वो आपको यूज़ करना है, और साथ में लिखना है ए डैश स्लैश एप्सिलॉन. ये चीज़ हमेशा जब आप एलिमिनेट करोगे लेफ्ट रिकर्शन, ये हमेशा प्रोडक्शन आना चाहिए. इसके अलावा इसमें मल्टीपल हो सकती है वैल्यूज़, तो आप अल्फा की सारी वैल्यू आप इसमें मेंशन करोगे. सो हम इसके जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. इसके बाद है फिर एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्ट्री. कंसिडर ग्रामर ए ड्राइज टू अल्फा बीटा स्लैश अल्फा गामा. दोनों भी इसमें आपको देखना है लेफ्ट सिंबल, और दोनों तरफ होना चाहिए आपको सेम वैल्यू. अगर उसमें दोनों तरफ की अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है गिवन ग्रामर में लेफ्ट फैक्ट्री है. तो सबसे पहले आप लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करोगे, और फिर आप रिमूव करोगे लेफ्ट फैक्ट्री. टू एलिमिनेट लेफ्ट फैक्ट्री रिप्लेस द ए प्रोडक्शन बाय ए ड्राइज टू अल्फा ए डैश. ये जो कॉमन वैल्यू जो आपको मिलेगी लेफ्ट फैक्ट्री में वो आपको सबसे पहले लेना है, और साथ में आपको ऐड करना है ए डैश. उसके बाद आपको ए डैश भी मेंशन करना है. सो ए डैश बिलोंग्स टू जो अल्फा की वैल्यू की बाद की जो वैल्यू रहेगी वो आपको यूज़ करना है, जो है बीटा स्लैश ग्यामा. ये आपको यहाँ पे वैल्यू मेंशन करनी है. ये वीडियो से हम ऐसी एक दो वीडियो सॉल्व करेंगे जिसमें लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्ट्री नहीं है. उसके बाद के जो वीडियोज हम सॉल्व करेंगे हम ये इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका रिमूवल कैसे करते हो. अभी बस पहले ये वीडियो से हम देख लेंगे बेसिक आपको LL1 पार्सिंग टेबल आपको कैसे क्रिएट करना है. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, वो है चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट. और हमें यहाँ पे तीन प्रोडक्शन दिए है क्वेश्चन में जो हमें यूज़ करके इसे हमें सॉल्व करना है. सबसे पहली स्टेप है लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्ट्री को रिकॉग्नाइज करना. सो एग्जांपल में लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ सेम सिंबल होना चाहिए नहीं है, और फिर है लेफ्ट फैक्ट्री. सो लेफ्ट फैक्ट्री के लिए आपको देखना है दोनों तरफ के लेफ्ट सिंबल. सो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट सिंबल है ए बी, इसका मतलब है ना ही इसमें लेफ्ट रिकर्शन है ना ही लेफ्ट फैक्ट्री. सो आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देयर इज नो लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्ट्री. अब सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेट. अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो इसके पहले मैंने दो तीन वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने पर्टिकुलरली फर्स्ट और फॉलो सेट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो को भी देखिए. फर्स्ट सेट आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, टॉप डाउन अप्रोच से और बॉटम अप अप्रोच से. पर आप हमेशा सॉल्व कीजिए बॉटम अप अप्रोच से. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन बी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ बी
फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी कैपिटल बी यूनियन, उसके बाद है सी, सो फर्स्ट ऑफ सी। इसमें फर्स्ट सिंबल है टर्मिनल सिंबल, इसका मतलब है टर्मिनेट, सो आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ बी यूनियन, उसके बाद है फर्स्ट ऑफ सी, सो यहाँ पे भी है टर्मिनल सिंबल, सो इसकी आपको वैल्यू मिलती है सी। सेम फर्स्ट ऑफ बी, इसकी आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे बी। इसे आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, जब बी टर्मिनल सिंबल आता है यूनियन, उसके बाद है स्मॉल सी, सो आपको वैल्यू मिलती है बी कॉमा सी। उसके बाद है फिर फर्स्ट ऑफ ए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ए, उसके बाद है फिर फर्स्ट ऑफ ए कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये पूरी एक ही टर्म है। उसके बाद है फिर यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन। अब इसमें भी देखिए पहला सिंबल जो वो है टर्मिनल सिंबल, यानी आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ए यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू मिलती है आपको एप्सिलॉन, सो फर्स्ट ऑफ ए, इसकी आपको वैल्यू मिलेगी ए यूनियन एप्सिलॉन, सो आपको वैल्यू मिलती है फिर ए कॉमा एप्सिलॉन। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे लास्ट प्रोडक्शन, वो है एस, सो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ एस, और उसके बाद है फिर फर्स्ट ऑफ ए कैपिटल बी यूनियन फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी कैपिटल ए यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू। देखिए यहाँ पे फिर से फर्स्ट स्टेप में है टर्मिनल सिंबल, सो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ए, टर्मिनल का मतलब है टर्मिनेट, इसके आगे आप सॉल्व नहीं करोगे। यूनियन देखिए सेकंड स्टेप, इसमें भी देखिए पहले स्टेप में है टर्मिनल सिंबल जो कि है बी, सो आपके यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ बी यूनियन नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, सो आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यू एप्सिलॉन। इसके बाद है फर्स्ट ऑफ ए, इसकी वैल्यू मिलेगी ए यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, इसकी वैल्यू मिलेगी बी यूनियन एप्सिलॉन, इसकी फिर आपको वैल्यू मिलती है ए कॉमा बी कॉमा एप्सिलॉन। सो आपको फर्स्ट सेट इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे फॉलो सेट, आप फॉलो सेट हमेशा टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन यूज़ करना है एस, सो आपको यहाँ पे लिखना है फॉलो ऑफ एस जो कि है स्टार्टिंग सिंबल, और इसमें आपको हमेशा सबसे पहले यूज़ करना है सिंबल डॉलर। इसके बाद आपको चेक करना है एस कोई भी प्रोडक्शन में तो नहीं है, अगर एग्जिस्ट करता है सो आपको यूनियन में उसकी वैल्यू लिखनी है, पर यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोडक्शन में एस नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है सिर्फ डॉलर। उसके बाद हम लिखेंगे फॉलो ऑफ ए, फिर आपको चेक करना है कौन से प्रोडक्शन में ए है, तो देखिए यहाँ पे है एक दो तीन वैल्यूज, सो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, तो आपको हमेशा यूज़ करनी है ए के बाद की वैल्यू, सो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ बी यूनियन, उसके बाद देखिए बी ए है, पर देखिए ए के बाद कोई भी सिंबल नहीं है, सो फॉलो जब भी आप सॉल्व करो एक चीज़ याद रखिए, कोई भी सिंबल के बाद अगर वैल्यू नहीं है सो आपको उसे पॉइंटेड करना है टुवर्ड उसके प्रोडक्शन के स्टार्ट सिंबल पे। सो देखिए यहाँ पे है एस, एंड आपको लिखना है इसके बाद फॉलो ऑफ एस, सो अब यहाँ पे लिखोगे यूनियन में फॉलो एस यूनियन, उसके बाद देखिए फिर से ए, अब इसके बाद की वैल्यू है बी, सो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ बी, और हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ बी, बी जो है वो है नॉन टर्मिनल सिंबल, तो आपको फॉलो सेट में हमेशा सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट ऑफ बी में कहीं एप्सिलॉन कंटेंट तो नहीं है, सो देखिए फर्स्ट ऑफ बी, सो इसमें एप्सिलॉन कंटेंट नहीं है, अगर एप्सिलॉन होता है तो आपको सबसे पहले उसे एलिमिनेट करना है, पर देखिए बी में नहीं है तो उसकी आपको यहाँ पे लिखनी है वैल्यू जो कि है बी कॉमा सी यूनियन फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस की हमें वैल्यू लिखी है डॉलर यूनियन, उसके बाद है फिर फर्स्ट ऑफ बी, सो ये जो है ये टर्मिनल सिंबल है, सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बी, उसके बाद आपको फाइनल वैल्यू मिलती है बी कॉमा सी कॉमा डॉलर।
उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फॉलो ऑफ बी, जो कि ये लास्ट प्रोडक्शन. सो हम चेक करेंगे बी कौन से प्रोडक्शन में है. सो देखिए फर्स्ट प्रोडक्शन, अब बी के बाद फिर से कोई भी सिंबल नहीं है. सो इसे आप पॉइंटेड करोगे टुवर्ड स्टार्ट सिंबल जो कि है एस. सो आपको यहाँ पे लिखना है फॉलो ऑफ एस. यूनियन में नेक्स्ट है बी ड्रेस टू बी बी. अब फिर से बी के बाद कोई सिंबल नहीं है, इसे पॉइंटेड करोगे टुवर्ड्स इनिशियल सिंबल. सो आपको यहाँ पे फिर से लिखना है फॉलो ऑफ बी. अब देखिए ए केस में आप एक और चीज याद रखिए, अगर फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, कोई भी फॉलो सेट में इस तरह से अगर कंडीशन आती है सो हमेशा उसका एक फॉलो जो है वो कैंसिल हो जाता है. सो यहाँ पे भी हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल. सो हमारे पास ये बचता है फॉलो ऑफ एस. सो हमें फॉलो ऑफ एस की वैल्यू मिली है डॉलर. इसके बाद है स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको बनाना है LL1 पार्सिंग टेबल. सो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है. सो सबसे पहले यहाँ पे VT का मतलब है नॉन टर्मिनल टर्मिनल सिंबल. सो ऊपर में आप सारे टर्मिनल सिंबल लिख दोगे, साथ में लास्ट ब्लॉक में आपको लिखना है यहाँ पे डॉलर. उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सारे लिख देने हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स. तो यहाँ पे है SAB. इसके बाद आपको लिखनी है टेबल में प्रोडक्शन की वैल्यूज. तो देखिए हमें कैसी फाइंड करेंगे. सो इसके लिए आपको देखना है फर्स्ट एंड फॉलोस की वैल्यूज. तो देखिए सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ एस, तो हमें आपको देखना है फर्स्ट ऑफ एस. और अगर उसमें अगर एप्सिलॉन कंटेंट है तो उसके बाद आप देखोगे फॉलो ऑफ एस. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है वैल्यूज a, b, epsilon. सो आप देखेंगे प्रोडक्शन एस. सो ए के लिए आपको इतनी ही वैल्यू यूज करनी है. तो हम एक एक कॉलम में हम मेंशन करेंगे सबसे पहले एस ड्राइव्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए बी, उसके बाद है बी. सो प्रोडक्शन में जहाँ पे भी बी है हम उतनी ही वैल्यूज करेंगे. सो आपको यहाँ पे लिखना है बी वाले सेल में एस ड्राइव्स टू स्मॉल बी कैपिटल ए, उसके बाद देखिए एप्सिलॉन. सो जब भी कोई भी वैल्यू में अगर एप्सिलॉन आता है सो आपको हमेशा देखना है उसका फॉलो. सो देखिए फॉलो ऑफ एस क्या है यहाँ पे डॉलर, यानी कि आपको यूज करना है डॉलर. और यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखनी है वैल्यू एस ड्राइव्स टू एप्सिलॉन. इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ए. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ए हमें वैल्यू मिली है a, epsilon. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ए, तो हमें ए का प्रोडक्शन देखना है. सो हमें इतनी वैल्यूज करनी है जहाँ पे है स्मॉल ए. सो हमें ए के ब्लॉक में हम मेंशन करेंगे ए ड्राइव्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी. अब उसके बाद है एप्सिलॉन, आपको देखना है हमेशा फॉलो. सो आप देखोगे फॉलो ऑफ ए, इसमें देखिए उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे है b, c, dollar. फिर आपको क्या करना है b, c, dollar के जो सेल्स है इसमें आपको लिखना है ए ड्राइव्स टू एप्सिलॉन. इसमें कुछ भी वैल्यू मेंशन करनी है इसी आपको मेंशन करना है एप्सिलॉन. सी में भी आएगी वैल्यू ए ड्राइव्स टू एप्सिलॉन और फिर है डॉलर. सो ए ड्राइव्स टू एप्सिलॉन. उसके बाद है फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी की वैल्यू देखिए b, c. सो फर्स्ट ऑफ बी में जाएंगे. सो बी के लिए हम इतनी वैल्यूज करेंगे. सो हम उसके सेल में लिखेंगे बी ड्राइव्स टू स्मॉल बी कैपिटल बी. उसके बाद क्या है सी. सो हम सी में लिखेंगे बी ड्राइव्स टू स्मॉल सी. और यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है बी में बी ड्राइव्स टू स्मॉल बी कैपिटल बी. इसके बाद आपको लिखना है रिजल्ट. रिजल्ट में आपको चेक करना है यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज तो नहीं है सेल में, तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज नहीं है. सो आपको यहाँ पे लिखना है द गिवन ग्रामर इज LL1. सो आपको LL1 पार्सिंग के एग्जांपल इस तरह सॉल्व करने हैं. आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे. सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल ये ख़त्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा. सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.